कुंभ राशि वालों की नींद उड़ जाएगी इन बातों को सुनकर। नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। दोस्तों वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है और आज की वीडियो में 18, 19 और 20 अक्टूबर इन तीन दिनों की कुंभ राशि भविष्य बताने वाले हैं। दोस्तों एक मिनट भी समय ना गंवाते हुए जानते हैं कुंभ राशि के बारे में। दोस्तों इन तीन दिनों में आपकी नींद उड़ सकती है। कुछ ऐसी बातें जो कि आपके जीवन में घट सकती हैं जिससे कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। शादीशुदा लोगों के जीवन में परेशानियां उत्पन्न होने की संभावना थोड़ा ज़्यादा बन रही है। ससुराल पक्ष से आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं। ऐसे में आपको इन तीन दिनों में अपनी जुबान पर काबू रखना होगा, अपनी बातों पर काबू रखना होगा। जितना हो सके उतना मीठा ही बोलेगा, वरना आपके जो भी मजबूत संबंध रहेंगे वो धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे। काम के सिलसिले में आपको अधिक मेहनत और भागदौड़ करनी पड़ेगी। अविवाहित लोगों को विवाह का अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। आपको यही सलाह दी जाती है कि आप किसी भी प्रकार के वाद विवादों को बढ़ावा मत दीजिएगा, अन्यथा आपकी परेशानी बढ़ सकती है। तो चलिए अब बात करते हैं आपका सामान्य सा राशिफल कैसा रहेगा उसके बारे में। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आपको कोई नया काम दिया जा सकता है या फिर नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है जिसे आप आसानी से पूरी तरह से निभाने में समर्थ रहेंगे। आपके कुछ रुके हुए काम आसानी से पूरे हो सकते हैं। आप जो भी बात करें वह ठोस और तथ्यों के आधार पर करेगा। किसी नए काम को हाथ में लेने की बजाय उसकी योजना बनाना आपके लिए लाभदायक हो सकता है। कुछ आर्थिक मामले भी हल हो जाएंगे, परंतु यह तभी होगा जब आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेंगे। कार्यक्षेत्र और ऑफिस में आपको उन कार्यों को देखना होगा जिन्हें आप काफी समय से टालते आ रहे हैं। भावुकता में कोई भी फैसला लेने से बचेगा। तो चलिए अब बात करते हैं कौन से बातों का ध्यान आपको रखना है उसके बारे में। आवश्यक कार्यों को करते हुए कुछ थकावट महसूस कर सकते हैं। मन में थोड़ी बेचैनी रह सकती है, इसे और भी ना बढ़ने दीजिएगा, अन्यथा आप इससे परेशान भी हो सकते हैं। इससे छुटकारा पाने का प्रयास आपको करना होगा। कुछ ऐसी रणनीतियां बनानी होगी जैसे कि यह सब थकावट या फिर मन में जो भी बेचैनी है वो खत्म हो जाए। बीच बीच में आप एंटरटेनमेंट के लिए कोई एंटरटेनमेंट वाला कोई मूवी देख सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ कहीं घूमने फिरने जा सकते हैं, उनके साथ समय बिता सकते हैं, जिससे कि आपकी मन की थकावट भी कम हो जाएगी और मन में जो भी बेचैनी, जो भी मन में एक तनाव सा लग रहा था वह भी आपका हल्का हो जाएगा। दोस्तों खरीदारी करते वक्त अच्छी तरह विचार जरूर कीजिएगा। यदि आपने विचार नहीं किया तो आप अधिक खरीदारी कर सकते हैं या फिर कुछ फालतू का सामान खरीद सकते हैं। इससे अभी जो आपके पास पैसे हैं वह खत्म होंगे या फिर कम होंगे, जो आने वाली मुसीबत में आने वाली परेशानियों में इसी पैसे को आप वहां पर इस्तेमाल कर सकते थे। लेकिन अगर आप अभी ज़्यादा खरीदारी करेंगे, ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे तो आने वाले दिनों में कुछ परेशानियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। अपनी बात दूसरों को कहने के लिए आपको मौके की तलाश होगी। कार्यक्षेत्र और ऑफिस से जुड़े मामले में कोई निर्णय सोच समझ कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि आपकी नींद उड़ जाएगी, ऐसा हमने क्यों कहा विस्तार से जानते हैं। दोस्तों कुछ ऐसी बातें रहेगी जो आपके कानों पर आएंगी या फिर कुछ ऐसी बातें जो कि आपके जीवन को प्रभावित करेगी, उससे आपको थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ सकता है या फिर आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। तो ऐसे में थोड़ा बहुत संभल कर रहना होगा। कुछ ऐसी चीज़ें आपके जीवन में घट सकती हैं या फिर आपके व्यवसाय से लेकर या फिर आपके जॉब को लेकर या फिर आपके सामाजिक क्षेत्र के संबंधों को लेकर कुछ ऐसी चीज़ें घट सकती हैं जिससे कि आपके मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे कि नींद भी आपके उड़ सकती है, आपका दिमाग काम नहीं करने लगेगा। तब आप किसी बड़े व्यक्ति से, किसी सलाहकार से या फिर किसी अपने दोस्त सगे संबंधियों से कोई अच्छी सलाह लेकर फिर से जीवन में एक बार आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों धन राशिफल, स्वास्थ्य राशिफल, लव राशिफल और करियर राशिफल को भी जान लेते हैं। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल ट्रेंडिंग राशिफल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों अगर आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है या फिर कोई भी परेशानी आपको बार बार सता रही है, आपका दिमाग ही नहीं काम कर रहा है, तो ऐसे प्रॉब्लम परेशानियों का हल समाधान पाने के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार और कुंडली के आधार पर आपके सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान हमारे तरफ से मिल जाएगा।
हमसे संपर्क करने के लिए इस वीडियो में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर दिखाई देगा उस नंबर पर कॉल करें अथवा व्हाट्सअप मैसेज करें, हमारे तरफ से रिप्लाई छट से मिल जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं आपका धनराशि फल कैसा रहेगा उसके बारे में। व्यापार में बिक्री या फिर खरीद करते समय सावधान रहेगा, क्योंकि धन के नुकसान की संभावना बन रही है। आप अपनी क्षमताओं को अच्छे से जानते हैं और अब इनका पूरा प्रयोग भी करेंगे। योजनाएं बनाते समय पार्टनर्स और करीबी साथी की सलाह लीजिएगा। अपने विकास के लिए नए कार्य और नए अवसरों को खोजिएगा। बिना शर्त का प्यार वास्तविक प्यार है, यह जानकर आज आप नए रिश्ते में बनने के लिए तैयार रहेंगे। भावुक और व्यावसायिक संपर्क आपको आनंद देते हैं। करियर राशिफल की बात करें तो आप में से कुछ लोग अपने शहर से बाहर जाकर काम करना चाहते हैं। अपने दिमाग से इस विचार को निकाल दें, क्योंकि अभी आप जहां काम कर रहे हैं वही आपको बहुत संतुष्टि मिलेगी। कभी कभी अपने ही देश में रहकर थोड़ा पैसा कमाना और संतुष्ट रहना विदेश में रहकर ज़्यादा कमाने और परेशान रहने से अच्छा होता है। वैसे भी आपके विदेश जाने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। लव राशिफल की बात करें तो कार्यस्थल पर नई टाइप आपके लिए नए अवसर और अनुभव लेकर आएंगे। आप और आपका स्वीट हार्ट दोनों मिलकर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। ध्यान रहे, प्यार का मतलब किसी का हमेशा पास रहना नहीं, बल्कि हर समय एक दूसरे का साथ देना होता है। अगर आप किसी रिश्ते में नहीं हैं तो दिन आपके लिए भाग्यशाली है, क्योंकि आप अपने प्यार को पा सकते हैं। दोस्तों, स्वास्थ्य राशिफल की बात करें तो आपके साथ किसी भी तरह का हादसा या फिर अनहोनी होने के संकेत हैं, इसलिए बेहद सावधानी बरतने की जरूरत है। शरीर के ऊपरी हिस्से या फिर सिर पर चोट भी लग सकती है, तो ऐसे में स्वास्थ्य का ध्यान देना या फिर रखना बेहद जरूरी है। दोस्तों, अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो ही आप सभी काम समय पर पूरा कर पाएंगे। व्यायाम, योगा, इनको करना बेहद जरूरी है। साथ ही साथ अगर कहीं यात्रा पर जाने की आपकी कोई संकल्प है, या फिर कहीं यात्रा जाने के लिए आप कोई प्रयासरत हैं, या फिर यात्रा के लिए आप जाने ही वाले हैं, तो ऐसे में आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें जो कि स्वास्थ्य संबंधित रहेगी उनको पास रखना होगा। साथ ही साथ अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी अच्छी तरह से करेगा। बाहर की तली भुली चीज़ें बिल्कुल भी मत खाएगा। घर से आप खाना भी लेकर जा सकते हैं। अगर आपको बाहर का खाना पड़ जाए तो अच्छी जगह जाकर अच्छा खाना खाएगा, या फिर आप रास्ते पर जो भी तली भुली चीज़ें रहती है वो अगर खाएंगे तो आपका स्वास्थ्य खराब हो सकता है। तो इन चीज़ों का ध्यान आपको रखना होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से आपका जो कि कुंभ राशिफल रहने वाला है। दोस्तों, इस वीडियो में बताई गई जानकारी जो कि ज्योतिष, पंचांग, मान्यताओं और धर्म ग्रंथों से दी गई है। हमारा उद्देश्य महज सूचना पहुंचाना है, आप इसे सूचना हेतु लीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप मानते हैं, अपनाते हैं या फिर इनका उपयोग भी करते हैं तो इससे पहले अपने नज़दीक के कुल पंडित से अवश्य संपर्क करिएगा। आप चाहे तो ट्रेनिंग राशिफल से भी संपर्क करके जीवन में आ रही सभी प्रॉब्लम परेशानियों का समाधान पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।